हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रही खींचतान के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आज ऊना मंडल भाजपा ने एपीएमसी अध्यक्ष बलवीर सिंह बग्गा की अगुवाई में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हो हल्ला करने वाले कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई। जबकि कुछ ही देर बाद कांग्रेस सेवा दल ने भी जिला मुख्य संगठन राजपाल शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर भाजपा पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। आज ऊना मंडल के द्वारा जो रोष प्रकट किया जा रहा है वो कांग्रेस के विधायक द्वारा जो विधानसभा का सत्र बजट था उसमें महामहिम राष्ट्र हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनका जो उन्होंने अपमान किया है उसके स्वरूप में जो कांग्रेस के विधायकों द्वारा गुंडागर्दी वहां दिखाई गई, ये इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी महामहिम राज्यपाल का अपमान करना और कांग्रेस के विधायकों द्वारा गुंडागर्दी का प्रदर्शन करना ये बहुत ही निंदनीय है और ऊना मंडल जो है इसका पुरजोर जो है विरोध करता है। और राष्ट्रपति महोदय से ये एक एसडीएम के माध्यम से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें ये जो पांचों विधायक हैं उनको बर्खास्त किया जाए और ये शांत प्रिय प्रदेश है इसको शांत ही रहने दिया जाए। यही हमारी एक ज्ञापन के माध्यम से हम राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भी जिला मुख्य संगठन राजपाल शर्मा की अगुवाई में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस सेवा दल के जिला मुख्य संगठन राजपाल शर्मा ने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है, कांग्रेस के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। यदि कांग्रेस के विधायक जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने का प्रयास करते हैं तो भाजपा सरकार उन्हें विधानसभा से निलंबित करवा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस गुंडई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विधायकों पर की कार्रवाई वापस ना ली तो कांग्रेस सेवा दल उग्र आंदोलन छेड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में आजकल अराजकता का माहौल है और इतना बुरा हाल है कि चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायकों के साथ हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा व अन्य सदस्यों द्वारा उनके ऊपर और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ही उल्टे FIR दर्ज की गई, उसके विरोध में हम महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधीश महोदय के द्वारा ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आज हमारा सांकेतिक धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम है, अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो आगे के लिए इसे बढ़ करके और ज़्यादा उसमें उग्र रूप में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। तो रख अभिमान तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।